कहेंगे आप संगठन के? देखिए, भूमिहार ब्राह्मण परिषद द्वारा आयोजित विराट उपनयन संस्कार बड़े पैमाने पे दूसरी बार आयोजित हुई है मुजफ्फरपुर में, और इसमें आर्थिक रूप से असक्षम लोगों का सामूहिक उपनयन संस्कार में संस्कारित किया गया है। हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी आर्थिक अभाव में शिक्षा का ग्रहण, संस्कार का ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उनको शिक्षा संस्कार का ग्रहण कराएं। साथ ही हमारे वरीय पदाधिकारियों ने कहा है कि हम लोग दहेज मुक्त विवाह करने के लिए भी जागरूकता समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं। साथ ही अपने संस्था से जुड़े हुए युवाओं को भी प्रेरित कर रहे हैं कि दहेज मुक्त विवाह करें, आडंबर से परहेज करें, ताकि समाज में जो मतलब उठा पटक हो जाती है दहेज के कारण, सामाजिक कुरीतियों के कारण, वो उठा पटक ना हो। किसी भी बेटी की शादी के लिए हमारे समाज के लोगों पर दबाव ना पड़े, शादी विवाह एक उत्साह के रूप में हो। इन सारी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी हमारी संगठन काम कर रही है। यूं तो मुजफ्फरपुर और बिहार में बहुत सारे भूमिहार ब्राह्मण के नाम से सामाजिक संगठन चल रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीतिकरण हो रही है। वो राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो संगठन चल रहा है। हम लोग निस्वार्थ भावना से, राजनीतिक स्वार्थ से पर उठकर सामाजिक हित के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए, बिहार के हित के लिए, अपने गरीब गुरुओं की सेवा के लिए और अपने समाज में पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी संगठन काम कर रही है। और इस संगठन के साथ हम लोग सामाजिक एकता के साथ साथ भूमिहार ब्राह्मण के बेटियों के साथ हो रहे जुल्म अत्याचार, नौजवानों को स्किल करने के लिए, उनको प्रशिक्षण कराकर स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए इत्यादि जो विकास की काम है, उन सारे कामों को आपका परिचय देंगे। अनय राज, भूमिहार ब्राह्मण परिषद का मीडिया। भारत के अंदर राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद के नाम के पहले ही राष्ट्रीय लगा हुआ है। वह ये सोच दर्शित करता है कि ये पूरे संपूर्ण राष्ट्र में अपने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आर्थिक बल प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। संस्कार के तौर पर जो क्षरण समाज में आई है, उसका बचाव, संरक्षण और विकास, इसका यही उद्देश्य है। और इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे। ये जनऊ एक संस्कारगत काम था। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में वैसी लड़की जो साधारण तौर पर आर्थिक तौर से कमजोर भूमिहार ब्राह्मण परिवार में जन्म ली, और उसको स्किल डेवलपमेंट करा के उसको हम लोग सिलाई मशीन, पौदान सहित साया, साड़ी, ब्लाउज और इंस्ट्रूमेंट जो उसके कार्य कुशलता को दक्ष करती है, वैसा चीज भी प्रदान करते हैं। साथ में जो नौजवान हमारा है, जो भटकाव के रास्ते पर चल रहा है, उसको रोजगार देने के लिए हमारे पास स्कीम है, जिसके तहत हम लोग उसको स्किल डेवलपमेंट के तहत, टेक्निकल एजुकेशन के तहत एजुकेशन देकर और उसको पूर्णतः समाज के मुख्य धारा में लाकर और स्वरोजगार की ओर प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए कि भारत के अंदर जो भूमिहार समाज है वो कृषक अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ था, और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में किसानों की जो बदहाली है उसको देखते हुए हमारा, मेरे समाज का युवा वर्ग किसानी से मुंह मोड़ रहा है। इसलिए हम लोग किसान परिवार और किसान कृषक समाज से आते हैं। इसलिए हमारा वहाँ भी विजन है कि हम अपने या तो वैसे कृषि योग्य उपजा करेंगे जिससे हमारे समाज को फायदा हो, हमारे नौजवान को फायदा हो, अन्यथा हम नए नए जो तकनीकी विकास चल रहे हैं उसमें प्रशिक्षित होकर रोजगार की ओर उसको ले जाना चाहेंगे। अपना परिचय देंगे सर। केशव कुमार, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद। हमारे संगठन की ओर से इसलिए ही हमने जितने बच्चों का उपनयन संस्कार कराया है उनसे एक शपथ पत्र पर हम लोगों ने एक हस्ताक्षर लिया है कि वो भविष्य में किसी भी तरह के नशा पान का सेवन नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ ही हम लोग शारीरिक रूप से, मौखिक रूप से भी लोगों के बीच में और बच्चों के बीच में यह जागरूकता चलाने का की पूरी कोशिश करेंगे कि लोग जो है सो नशा पान वगैरह से अपने आप को वंचित रखें और अपना भविष्य उज्जवल करें।
और साथ ही साथ मतलब अगर वो नशा पान से विमुख होकर अपने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में ध्यान देंगे तो हमारे समाज का निशानदेह ही भविष्य काफी उज्जवल होगा और हम नित्य नई ऊंचाइयों को और बुलंदियों को छुएंगे। आपका परिचय देंगे? मेरा नाम राजवर्धन हुआ, मैं इस संस्था के उप सचिव के पद पर स्थापित हूँ।